साल के बच्चे के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। मामला गांव बत्ता से जुड़ा है, जहां गौशाला और डेरा संचालक महंत के अलावा कर्मचारियों पर अनाथ बच्चे से कई साल तक कुकर्म करने का आरोप लगा है। साथ ही महंत पर मामले को दबाने और आरोपियों का सहयोग करने का संगीन आरोप भी है। फिलहाल पुलिस ने डेरे के महंत समेत दो लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि बच्चे की मां की मौत के बाद महंत बच्चे की परवरिश करने के नाम पर इसे आश्रम ले आया था। तब से लगातार बच्चे के साथ यौन शोषण किया जा रहा था। तंग आकर बच्चा गौशाला से भाग गया और किसी समाज सेवी के सहयोग से करनाल पहुंच गया, जहां चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करनाल ने बच्चे की काउंसलिंग की। इसके बाद बच्चे ने डीजीपी को भी इस संदर्भ में पत्र लिखा और राबिती बताई। मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे सीडब्ल्यूसी के सामने इस बच्चे का मामला आया था और इस बच्चे के मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमने पुलिस को इसके बारे में सूचित कर दिया गया था और बच्चे के बारे में क्या आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है हमने इसकी रिपोर्ट ऑफिसर से मांग ली है। आगे इसकी कार्रवाई जारी है और इस पर पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्चे को तुरंत न्याय मिले। हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं, तो ये FIR तीन व्यक्तियों के खिलाफ हमने दर्ज करी है उस बच्चे के शोषण के लिए। दो तो वहाँ पे जो वो आश्रम था वहाँ पे कार्यरत थे और जो एक है वो जो मेन बाबा था उनके ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने इस बात को दबाने की कोशिश करी तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कर रहे हैं। ये हम FIR दर्ज कर रहे हैं, उसके बाद हम गिरफ्तारी पे भी जाएंगे।